क्यों टेंशन ले रहा है? तेरी जॉब लग जाएगी यार सरकारी। बे मेरी झाड़ू बहुत बड़ी है और सर्टिफिकेट अलग से मिला मुझे। बेटे कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हो? बेटे मेरे पास ट्यूशन में कितने पढ़ रहे हो? तू काम कर लोंडा, अरे फेल हो जितने सारे, ट्यूशन लगवा लो, फेल कर दूं एक एक को। सवाल करो, ये 2 + 2 = 4। आंसर तो इनने सही दे दिया, लेकिन परेशान कैसे करूं जो ट्यूशन पढ़े मेरे पास। चल दूसरा कर, दूसरा। रे सर मेरा तो 77 आया है। 77? ये 77 किस बाबली कांड का आया? तू तो ट्यूशन पढ़ता ना मेरे पास। हाँ सर। तो बिल्कुल ठीक है बेटे तेरा आंसर, किसी की बातों पे ध्यान मत दे, तू बढ़िया पढ़ रहा है, टॉपर है तू, और तू साले तू पढ़ाई पे ध्यान दे ले, 4 आंसर है इसका। 77 लिखो सब, 77। अभी ये 77 कैसे आ रहा है? ट्यूशन पढ़ा है सर से, ही यूं आ रहा। एक सवाल और करो तुम सब, सही है? 7 केले हैं मेरे पास, उसमें से 2 मैंने खा लिए, कितने बचे? 3 केले। ढाई। 5 केले बचे सर। तो फिर से सही जवाब दे दिया इनने। बेटा तू गलत है, तू ट्यूशन पढ़ा हमारे पास, सब सही आ जाएंगे तेरे आंसर, बिल्कुल गलत। तू बताइए बेटे तू। अच्छा सर मैं, एक मिनट सर, सर 2 प्लेट बिरयानी, थोड़ी सी लाल वाली चटनी बची। बहुत सही जवाब बेटा तेरा, बहुत ही सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किसी की बातों पे ध्यान मत दिए, बहुत बढ़िया, मास्टर से ट्यूशन पढ़ लिया। सब लिखो, 2 प्लेट बिरयानी लाल चटनी। अरे सर इस सवाल में बिरयानी कहाँ से आ गई? क्या हमारे पास ट्यूशन पड़ेगा ना तो नहारी कोरमा जर्दा बिरयानी खीमा भाया सब आएगा, आंसर में सब आएगा, पढ़ ले ट्यूशन, कम ले लूंगा तुझसे। मास्टर है या बाबरची है? बेटे एक फॉर्मूला बताओ मुझे, a² + b² = कितना होता? यार ईद पे इस बार कुर्ता पजामा बनाऊंगा। बिल्कुल सही जवाब मेरे बेटे, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है तू, किससे पढ़ लिया ट्यूशन? कुर्ता पजामा लिखो सब। अरे सर इसमें कुर्ता पजामा तो है ही ना, कहाँ है आंसर शीट में, कुछ भी ना इसमें। पेन का कैप कहाँ तेरा? ए संजय सर, लोंडे के पेन का कैप। गुड आफ्टरनून। अब मुझे ये जानना है कि तुम हरामियों में से फीस किसने मेरी नहीं दी अभी तक? बेटा कितना टाइम हो गया तुमको फीस नहीं भरे? सर 1-2 3 महीने 4 दिन 22 घंटे 21 मिनट 12-13-14 सेकेंड बेटा टाइम हो गया, तुमने फीस भरी नहीं है। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम नहीं दोगे, मुझे पता है तुम दे दोगे, मुझे पता है। मैंने ऐसा बोला कि निहायती चोर फकीर पिशाची लुटेरे खानदान के बच्चे लगते हो, मैंने बोला ऐसा नहीं, ये हरामी बोल रहा था ऐसा। लेकिन क्या फीस तुमने दी नहीं? हाँ मनुसो, सो पाइथागोरस थ्योरम। सर फैन ऑन करो ना। फैन चाहिए आपको? हाँ। नहीं बोलो मैं ही घूम जाता हूँ। लेकिन क्या है ना फैन चल नहीं रहा, क्योंकि जो लाइट वाले ना मेरा काट के गए है वायर, वो क्या है बिजली का बिल आता है और बिजली का बिल मेरा बाप नहीं भरता, मैं ही भरता हूँ। हाँ तो वो भरने के लिए क्या चाह रहे थे, वो क्या बोलते उसको, कुछ तो चीज़ होती है ना पैसे, और वो पैसे मेरे पास है नहीं, क्यों? क्योंकि फीस तुमने दी नहीं। a² + b² थोड़ा पानी मिलेगा, मूत पिएगा मेरा? नहीं नहीं सर। नहीं तो ऐसे बोल रहे हो तुम जैसे मैं तुमको मूत पिलाऊंगा, मेरे बच्चों को मूत पिलाऊंगा मैं, नहीं तुम्हें तो मूत पिलाऊंगा मैं, लेकिन बॉडी में मूत है नहीं क्योंकि पानी मैंने पिया नहीं, क्योंकि घर पे पानी आया नहीं, वो पानी के पैसे मैंने भरे नहीं, क्यों? क्योंकि फीस तुमने दी नहीं। सर ये ऊपर सोया हुआ है। अबे तूने तो 3 महीने से मेरे को मेरी फीस नहीं दी, तेरे को तो जमीन में गाड़ू, उसने 3 साल की फीस मेरे को एडवांस में दी है। अनमोल बेटा कुछ चाहिए आपको बेटा? फल फ्रूट खाना पीना दारू कॉफी मैं मुंह में लूं? नहीं 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 सर। हाँ नहीं मैं आता हूँ। नहीं नहीं आई एम गुड सर। इसे कहते हैं इज्जत देना और लेना, और इज्जत लेन देन कैसे बनती है? फीस भर के। लेकिन फीस तुमने दी नहीं। a - b (a + b) = a² - कल मेरा फूफा मर गया, तुमको पता है इतना जोर से खांसा वो, दिल बाहर आ गया उसका, खांसते खांसते उसके मुंह में आ गए। क्या सर? फेफड़े। फिर मैंने सोचा उसका दिल उठा के फ्रिज में रखूं, लेकिन फ्रिज तो था ही नहीं, क्यों? क्योंकि तुमने दी नहीं।